सारे, ये सारे 150-150 फुट पर है। हाँ जी, बताएंगे आज के प्रोजेक्ट के बारे में जो आप प्रोवाइस करवा रहे हैं, इसके बारे में डिटेल में बताइए। देखिए, आज हमारा जहाँ नगरी म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से एक हम यहाँ पे एक DPR आज यहाँ तैयार करवा रहे हैं, जिसमें हमारे सारे पार्षद यहाँ पे आए हुए हैं और हमारे जय साहब यहाँ पे हैं, हमारे स्टाफ मेंबर भी यहाँ पे हमारी म्यूनसिपल कमेटी के हमारे साथ आए हैं। हमने एक प्रोजेक्ट यहाँ पे भेजा है। आप जानते हैं कि नगरी जो है हमारा टाउन है, हमारे साथ टाउन के साथ साथ एक छोटी नदी जो बजू है वो बहती है, तो अब ऐसा हो गया है कि अब पानी का जो बहाव है वो पूरा टाउन की तरफ हो चुका है, तो ये फ्लड प्रोन एरिया बन चुका है। एक तो ये बात है इसमें, दूसरा कि रास्ते की बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम सभी जो हमारे पार्षद हैं, पिछले हमने 5-7 दिन पहले एक मीटिंग की थी, उसमें यूनानिमसली फैसला किया कि हमारे डायरेक्टर वर्दी डायरेक्टर साहब की तरफ से ऑफिस से हमें नगरी के लिए कोई प्रोजेक्ट मांगा गया, जिसमें हमने सोचा कि हमारे पास कोई लैंड तो और है ही नहीं है जहां हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट दे सकें। तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम ऐसा प्रोजेक्ट दें जो हमारे एक नगरी के लिए एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट बने। तो ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, लगभग 5 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट जो हमने बनाकर भेजा है। तो इसमें हमने एक तो पूरा नगरी का ये जो लगभग आप 1.5-2 किलोमीटर के बीच का ये स्ट्रेच है जो पूरा किनारे किनारे इस नहर के किनारे किनारे जा रहा है, बजू के किनारे किनारे, तो इसमें हम इसकी एक प्रोटेक्शन वाल देंगे। एक तो प्रोटेक्शन वाल हो जाएगी, ये घर जो है इनको बहने का, जहाँ बरसात के दिनों में जो पानी का फ्लड का खतरा कम हो जाएगा, और उसके साथ साथ एक ऐसा हमें अल्टरनेटिव रोड मिल जाएगा। रोड मिलने के साथ साथ हमारा एक और काम, जो बजू जो है ये किसी समय में लोग जहाँ नहाते थे इस पानी को घर के लिए भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब ये बहुत दूषित हो चुका है क्योंकि सीवरेज लोगों ने सीधा इसमें डाल दिया। तो हमने सोचा कि इसके साथ साथ हम साइड पर एक लगभग 3 फुट का नाला भी दे देंगे ताकि जो भी गंदा पानी होगा वो साथ साथ में दूसरे तरफ इसके रोड के दूसरे तरफ नीचे की तरफ चला जाए, तो हमारा ये बजू भी सेफ हो जाएगी, स्वच्छ रहेगी और हमें जितने भी घर हैं जो बहने से भी बच जाएंगे, और एक अल्टरनेटिव रोड जो है नीचे दशहरा ग्राउंड तक हम इसको लेके जाएंगे, ऊपर जो पुल है मेन पुल से लेके दशहरा ग्राउंड तक लेके जाएंगे, वो भी इससे बच जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी आज हम इसकी DPR तैयार करवा रहे हैं, हमारे जय साहब लगे हुए हैं, सारे काउंसलर्स हैं, सारे हमारे मौजूद शहरी लोग भी यहाँ पर आए हैं कुछ, तो सबकी सलाह, सबसे सलाह मशवरा करके ये तैयार किया जा रहा है। जी, ये काम कब तक शुरू हो गया जी? देखिए, हमारी कोशिश है कि हम जल्द से जल्द इस काम को शुरू करवाएं। अभी तो हमारा फर्स्ट फेज में है, प्रीलिमिनरी फेज में है, जैसे ही हमारी DPR बन के पहुँच जाएगी तो हम पूरी अब कोशिश करेंगे इसको भी फॉलो करेंगे, और हमारे जैसे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो है उनकी तरफ से भी हम पूरा सहयोग लेने का प्रयास करेंगे, और वो हमारा सहयोग कर भी रहे हैं, जैसे हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट माननीय अरविंदर रैना जी, हमारे महामंत्री संगठन के माननीय अशोक कोल जी, हमारे वन मंत्री पूर्व वन मंत्री आदरणीय राजीव सरोटिया जी, हमारी डिस्ट्रिक्ट की टीम, सभी हमारे इसमें सहयोग कर रहे हैं, हम सबका सहयोग लेके चलेंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन भी खास करके इनका थैंक्स करना चाहूँगा, जिसमें हमारे डायरेक्टर साहब का विशेष रूप से, हमारे EO साहब इसमें अच्छा पूरा काम कर रहे हैं, हमारे जय साहब, पूरी टीम लगी हुई है, सारे हमारा बाकी स्टाफ के लोग सारे सहयोग कर। सर, जो आप चैनलाइज बिजू चैनलाइज करने जा रहे हैं, ये कितने किलोमीटर की होगी कुल? ये लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के बीच में ये स्ट्रेच हो जाएगा, इतना हो जाएगा एग्जैक्ट। अभी इसके हम मेजरमेंट कर रहे हैं, एग्जैक्ट हम बता देंगे जैसे ये पूरा हो जाएगा। प्रोजेक्ट में और क्या खास रखा है जिसके लिए लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर सके ये प्रोजेक्ट? देखिए, इस प्रोजेक्ट ये एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की तरह होगा। आप देखिए कि एक तो ये ऐसा है कि एक तो घाट बन जाएंगे स्नान के लिए, साथ साथ में हमें लोगों को एक मिनी पार्क वगैरह हम साथ साथ में डेवलप कर सकते हैं, और उसके साथ हमारे आगे ज़मीन जो अगर हमें रेवेन्यू ट्रांसफ़र करता है तो उसमें देखेंगे, सबसे सलाह मशवरा करके कोई पार्किंग वगैरह की कोई सुविधा, कोई जो मिनी कोई स्टेडियम टाइप खेलने की कोई व्यवस्था, कोई ओपन जिम की वगैरह की, वो देखेंगे कि कैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। और सबसे विशेष बात ये रहेगी कि
एक लोगों को सुबह सैर करने के लिए नदी के किनारे किनारे बहुत अच्छे वातावरण में एक माहौल जो यहाँ पे मिल जाएगा, और एक आने वाले समय में हम इसको सर्कुलर रोड में भी डेवलप कर सकते हैं, सभी को रास्ता लग जाएगा, जितने भी घर हैं इन सबका ये फ्रंट आ जाएगा इस तरफ, तो व्यापारिक दृष्टि से भी अगर देखें तो उसमें भी काफ़ी बूस्ट मिलेगा। फिलहाल कोरोना चल रहा है, लोगों को चाहे प्रशासन हो अधिकारी हो बार बार अपील कर रहे हैं कि लोग घर पे रहें, हालांकि दो दिन के लिए फिर जो कर्फ्यू लगा हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे उस तरह, तो क्या कहना चाहेंगे लोगों से, क्योंकि लोग अभी भी सुधर नहीं रहे हैं, जिससे लेकर आंकड़ा लगातार कठुआ शहर का बढ़ रहा है और नगरी का भी दिखाई कहीं ना कहीं उसे भी प्रभाव पड़ने वाला है इस मसले को लेकर। देखिए लोगों से मेरी विनम्र प्रार्थना है, हाथ जोड़ के सबसे अपील करता हूँ कि इसको लाइटली ना लें, क्योंकि ये जो सेकेंड फेज़ कोरोना पैंडेमिक का जो आया है ये बहुत ही घातक है, और मेरी हाथ जोड़ के सबसे यही प्रार्थना है कि आप जो भी हमारी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं SOP हैं उसको फॉलो करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बिना वजह घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि और ख़ास करके विशेष तौर पे जो छोटे बच्चे और बुज़ुर्ग लोग हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। ख्याल रखें अपना, सभी स्वस्थ रहें, हमारी यही प्रार्थना है, यही कामना है।